नमस्कार दोस्तों, ओमेगा क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 का चैप्टर डेरिवेटिव का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। लेकिन क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करने के पहले हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर वो नहीं मालूम होगा तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम वो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और कंटिन्यूटी क्या होता है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंटिन्यूटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डेरिवेटिव का पहला चैप्टर जो है आपका वो कंटिन्यूटी ही है। तो चलो कंटिन्यूटी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है? अगर कोई फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x, ये फंक्शन x इज इक्वल टू a, कोई भी एक रैंडम नंबर होगा या कोई भी एंगल होगा रेडियन में, ठीक है। तो दिया हुआ फंक्शन x की a जितनी वैल्यू पे कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो कभी भी उसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो कटेगा नहीं। तो x इज इक्वल टू a पे अगर आपको फंक्शन f ऑफ x अगर कंटिन्यू चाहिए तो उस फंक्शन में कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करने को होना। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मस्ट इक्वल टू f ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फंक्शन दे के रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए मतलब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जो ए दिया रहेगा वो डाल देंगे। तो एफ ऑफ ए सॉल्व करने के बाद कुछ तो नंबर मिलेगा हमको, तो वो लिखेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। बाद में क्या करेंगे, इसी फंक्शन को लिमिट लगा देंगे, कैसे, एक्स टेंड्स टू ए और ए वाला लिख देंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो एक सिंपल सी कंडीशन है। बाद में दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में दो लिमिट्स यूज करने पड़ते हैं, और दो लिमिट्स का नाम है, एक है राइट हैंड लिमिट और दूसरा है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, माइनस का मीनिंग होता है x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट साइड। माइनस किधर रहता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लेफ्ट साइड में रहता है। तो a माइनस अगर रहा तो समझ जाना ये जो लिमिट है, ये लिमिट कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे हम फंक्शन को, और उसके बाद में अलग से राइट हैंड लिमिट अगर लगाएंगे हम फंक्शन को, तो दोनों लिमिट्स क्या आने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहली कंडीशन है इसमें सिंगल लिमिट, फंक्शन को लिमिट लगाओ एट एक्स इज इक्वल टू ए, उसका आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए, तब क्या रहेगा, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा कंडीशन है उस फंक्शन की दो वैल्यूज दी रहेंगी, एक रहेगा x लेस देन है, दूसरा रहेगा x ग्रेटर देन है। जहां पे x लेस देन a रहेगा वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना वो फंक्शन लेके, और जहां पे x ग्रेटर देन a रहेगा फंक्शन में उस फंक्शन को लेके राइट हैंड लिमिट लगाना। दोनों लिमिट अगर सेम आते हैं तो समझ जाने का कि दिया हुआ फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यू है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यूटी समझ में आया होगा। इसी तरह की दो कंडीशन से डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो हम बाद में क्या देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, जरूरत तो है नहीं वैसे। फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन। तो चलिए दोस्तों डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन देखते हैं। वही है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल चाहिए, डिफरेंशिएबल चाहिए मतलब क्या, दिए हुए फंक्शन का हम जो डेरिवेटिव है वो निकाल सकेंगे कौन सी वैल्यू पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। जो पिछला हमारा वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, हमने क्या किया था, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया था, उसमें क्या किया था, सिर्फ एक्स की टर्म में हमने डेरिवेटिव निकाले थे। बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या किया था, डेरिवेटिव निकाला था लेकिन बाद में एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दी थी, तो जो कुछ ना कुछ वैल्यू है उसे को हम क्या बोल देंगे, a बोल देंगे। और वापस जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हमने निकाला था f डैश a निकाला था,
उसी तरह से हम क्या निकालने का ट्राई करेंगे, एफ डैश ए। और एफ डैश ए हम कैसे निकालते हैं, एफ डैश ए हम ऐसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करते थे, लिमिट सॉरी डेरिवेटिव निकालते थे हम एफ ऑफ एक्स का, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यू पे, ए वैल्यू पे। अगर समझो अगर तुम कोई लिमिट सॉल्व कर रहे हो, अगर ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट का तुम्हारा आंसर आया ही नहीं, अगर आंसर तुम्हारा 0/0 या कुछ नंबर अपॉन जीरो, मतलब इसका क्या होता है नॉट डिफाइंड, अगर ऐसा आंसर आता है किसी भी लिमिट का तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको नॉट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर मिलता है तो समझ जानेगा ये जो दिया हुआ फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल रहेगा तो ये जो लिमिट है ये लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मतलब लिमिट का कुछ ना कुछ प्रॉपर आंसर आएगा। तो चलिए ये तो है पहला कंडीशन कि अगर दिया हुआ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या रहा, डिफरेंशिएबल रहेगा तो ए वाला लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉट एग्जिस्ट आया, अगर नॉट डिफाइन आया तो जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है, इसमें भी दो डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। उसमें भी सेम कंडीशन है जैसे कंटिन्यूटी का था। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एच टेंस टू जीरो माइनस सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये जो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है और लिमिट एच टेंस टू जीरो का क्या है इधर माइनस है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये इक्वल आने को होना किसके साथ, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इधर की साइड को बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा रहा तो समझ जाने का कि जो दिया हुआ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, नहीं तो अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है शो दैट द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। तो अगर कोई फंक्शन एक्स लेस देन या एक्स ग्रेटर देन में रिप्रेजेंट होता है तो उसी स्टेप में उसी को पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स चेक करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया है नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, हमें कंटिन्यूटी का कंडीशन इसमें लेने का फिर कुछ जरूरत है नहीं। हम फिर कौन सा कंडीशन लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का लेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी की जो दो कंडीशन है उसमें से जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम ऊपर का फंक्शन लेंगे क्यू, क्योंकि क्या है ऊपर एक्स लेस देन, एक्स लेस देन माइनस 3 है, मतलब एक्स माइनस 3 के भी लेफ्ट साइड पे, तो एक्स माइनस 3 के भी लेफ्ट साइड में है तो ऐसा आएगा, तो मतलब माइनस 3 के लेफ्ट साइड से वो एक्स आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए वाला, और फिर जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसके लिए एफ ऑफ एक्स हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए वाला, क्योंकि इधर क्या है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। चलो पहला स्टेप निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ ए लिखते थे लेकिन इधर क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ माइनस 3।
और उसका फॉर्मूला मालूम है हमें, एफ ऑफ ए प्लस एच लिखते थे, ए की जगह पे इधर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन एच। चलो ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच निकालना पड़ेगा और दूसरी चीज एफ ऑफ माइनस थ्री निकालना पड़ेगा, और हम लिमिट कौन सा ले रहे हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर डेरिवेटिव कौन सा निकाल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड का। तो जब एफ ऑफ माइनस थ्री निकालेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच जब निकालेंगे तभी भी ऊपर वाला ही निकालेंगे, क्योंकि प्रोसेस कौन सा चल रहा है हमारा लेफ्ट हैंड निकालने का। तो चलो पहले हम एफ ऑफ माइनस थ्री लिखते हैं या फिर निकालते हैं, इस ऊपर वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस टू जो दिया है उसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर देते हैं, माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू तो ये क्या हो जाएगा नाइन प्लस टू, ये हो जाएगा इलेवन। उसी तरह से क्या निकालेंगे, माइनस थ्री प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस थ्री प्लस एच स्क्वायर प्लस टू। देखो इसमें लगेगा फॉर्मूला, देखो एच प्लस है थ्री माइनस है, इसको मैं और ढंग से लिख सकता हूं कैसे, एच माइनस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू, एच प्लस है थ्री माइनस है, इधर उधर कर देंगे उनको। चलो इसको सॉल्व करते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब क्या हो जाएगा सिक्स एच, टू इंटू थ्री सिक्स और एच वैसे का वैसा, प्लस बी स्क्वायर मतलब नाइन प्लस टू इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस इलेवन। तो चलो चलो इसको इक्वेशन वन बोल लेता हूँ, ये जो वैल्यूज है दोनों एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच का जो है ये वाला वैल्यू और एफ ऑफ माइनस थ्री का ये वाला वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा। तो एल एफ डैश ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, इधर ये लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस इलेवन माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री कितना आया है इलेवन अपॉन एच, दिख रहा है प्लस इलेवन माइनस इलेवन कट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच बचेगा सिर्फ अपॉन एच। इसमें क्या करेंगे एच कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच इंटू ब्रैकेट एच माइनस सिक्स अपॉन एच, चलो एच एच कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा लिमिट लगा लेंगे तो एच माइनस सिक्स को एच का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस सिक्स, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। और ये क्या आया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो चलो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे नीचे वाला लेंगे, तो पहले उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस थ्री निकालना पड़ेगा, तो इधर एफ ऑफ माइनस थ्री निकाल लेते हैं, कैसे हो जाएगा वो टू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट कर देंगे तो देखो टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन इधर भी इलेवन बारह, दूसरा निकालेंगे एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच, चलो इसमें डाल देते हैं टू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस एच, इसी को ढंग से लिखते हैं टू माइनस थ्री इंटू एच माइनस थ्री, ओके इधर जैसे लिखा था तो टू माइनस थ्री इंटू एच थ्री एच माइनस माइनस प्लस नाइन, इसको ठीक से देखेंगे टू प्लस नाइन इलेवन माइनस थ्री एच, ओके। चलो अभी हमें क्या निकालना है, इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, आगे निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं ऐसे लिखूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। चलो फॉर्मूला मालूम है हमको एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस इसका वैल्यू पुट करते हैं ये रहा इलेवन माइनस थ्री एच माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री क्या है इलेवन, इधर भी इलेवन इलेवन कट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस इलेवन इलेवन कट
माइनस थ्री एच अपॉन एच, एच स्क्वायर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस आया माइनस थ्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस थ्री। तो देयरफॉर मैं क्या लिखता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है हमारा माइनस थ्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया माइनस सिक्स, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया माइनस थ्री। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों भी सेम है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आते है तो वो जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिफरेंशिएबल नहीं रहा। तो इधर कैसे लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों अगर सेम नहीं आते हैं तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो फिर वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल, तो बराबर क्या आ गया हमारा नॉट डिफरेंशिएबल। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन फोर दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे x लेस देन या x ग्रेटर देन ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का हमें जरूरत है नहीं, सीधा सीधा कंटिन्यूटी का फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे और चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर रहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंटिन्यूस की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो कंटिन्यूस लिख देंगे, अगर डिफरेंशिएबल की भी सेटिस्फाई हो गई तो डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, और दोनों मिला के क्या आ जाएगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, पहले किसके लिए, फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन भी लिख देता हूं मैं, कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। इधर के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए निकालना, पहले एफ ऑफ ए निकालना मतलब क्या निकालना, एफ ऑफ जीरो निकालना, तो हमें देके रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो डालो, ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a मतलब क्या, x टेंस टू जीरो, f ऑफ x मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x मतलब x स्क्वायर। इसको सॉल्व तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं अपने पास, तो सीधा लिमिट लगाना पड़ेगा, मतलब क्या, x की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा, आंसर कितना आ गया जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दिस कंडीशन इज फॉर द कंटिन्यूटी, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ a, तो लिमिट x टेंस टू a की जगह पे जीरो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a की जगह पे जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो आना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। इसी तरह से हमें यही फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो चलिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कंडीशन, कंडीशन लिख लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एच मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट में कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, नॉट डिफाइन छोड़ गए, तो चलो इसके सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, देखो एफ ऑफ ए निकाला हमने जीरो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस एच, ए प्लस एच मतलब क्या है, ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे क्या है जीरो है, तो देखो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स देके रखा है हमने, तो एक मिनट मैं इधर लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच भी पहले ही लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह पे कौन है जीरो है, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, बाद में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए मतलब होगा जीरो का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो चलो इसमें पुट करते हैं कंडीशन में, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच क्यू, एच स्क्वायर माइनस जीरो एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एक एच कट हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, लिमिट सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आंसर जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा मतलब क्या कर रहा है एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, एज लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देखो कंटिन्यूटी का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम टोटल केस लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं आपको बता दूं अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पुट करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।